बड़ी खबर है सीधी से, जहां मझौली थाना अंतर्गत एक सराफा व्यापारी से करोड़न के लूट का अंजाम दे के मामला का 36 घंटा बीत चुके हैं, किंतु अभी तक पुलिस के हाथ बेहद बड़ी सफलता नहीं लगी है। हालांकि सूत्रन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 से 13 संदिग्धन का पुलिस गिरफ्तार की पूछताछ कर रही है, किंतु अभी तक पुलिस कोनो निर्णायक दौर पर नहीं पहुंच पाई है। विधि क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल बा हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जो हम अपना पंचायत बताई थी कि बीते दिन जो है सीधी माँ मझौली थाना अंतर्गत जो है एक सराफा व्यापारी से गीता ज्वेलर माँ लगभग 1.5 करोड़ के जो है आभूषण, मतलब सोने और चांदी से निर्मित आभूषण के लूट के मामला सामने आ रहा, जो ने माँ 60 से 70 हजार रुपया नकदी के मामला रहा। किंतु अपना पंचक बताई जब यह खबर सीधी पहुंची तो पूरे सीधी में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 8 टीम जो है बनाई गई, जो लगातार मझौली के चप्पा चप्पा तलाश रही है। किंतु अपना पंचक बताई दी कि 2 CCTV फुटेज आ चुके हैं ये पूरे मामला में। एक तक गीता ज्वेलर के अंदर लगा एक CCTV फुटेज जोने में 7 लोग दिखा रहे हैं, जोने से यह पुष्टि भी रही कि यह पूरा घटनाक्रम और लूट के वारदात का 7 लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया है। किंतु अब दूसरा CCTV फुटेज आई है, जोने में 12 से अधिक लोग, मतलब 1 दर्जन से ज्यादा लोग यह पूरे लूट का अंजाम दिए रहे। जोने के चलते यह पूरा लूट जो है बेहद बड़ा लूट माना जा रहा। जोने पर सीधी के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत पूरी तरह से मझौली में मुस्तैद है और चप्पा चप्पा तलाश कर रहे हैं। थोड़ा का संदिग्ध यदि अवस्था दिखाती तो उक्त आरोपी का सीधे थाना में ले आए कि पूछताछ जारी है। सवाल यह उठ रहा है कि का आरोपी तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई, काहे कि अपना कपंजन का बता दी कि सूत्रन से प्राप्त जानकारी अनुसार चांदी के कुछ हिस्सा जोने में 30-40 किलो चांदी जो है पीड़ित पक्ष के द्वारा बताई गई रही पुलिस का कि लूटी गई ही जोने में कुछ हिस्सा चांदी के जो है बरामद भा है, यह सूत्रन से प्राप्त जानकारी है। और बतावा यह जानला है कि जो लुटेरा रहे या वजन कर नहीं संभाल पावर रहे, ऐसे कुछ अन्यत्र जगह हुआ चांदी का फेंक दिए रहे, जे का कुछ लोगन के द्वारा मिलेगा और वो का अपने घरे लेके रहे, किंतु वह चांदी अब बरामद भई ही, किंतु अबे तक कानून के हाथ लुटेरन तक नहीं पहुंचे आई। कुछ माल बरामद भा है, कुछ संदिग्धन से पूछताछ चल रही है, किंतु सबसे बड़ी बात कि 36 घंटा बीते बाद अभी पुलिस कुछ कहे के मतलब स्थिति में नहीं आए। वह स्थिति जो है सीधी जिला वासिन का कहो न कहो सोचे में मजबूर कह रही है कि का पुलिस अब कानून के हाथ लंबे के बजाय छोट हो लागे, अपराधी बड़े हो गए, पुलिस छोट हो गए। 36 घंटा बीते बाद अब तक यह राज राज है कि आखिर ये लुटेरा है ता है कहां, जब पूरे जिला में नाकाबंदी कर दी गई ही, सतना रीवा हर जगह नाकाबंदी कर दी गई ही, तो आखिर ये लुटेरा अबे तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर कैसा है, काहे अबे तक संदिग्धन से पूछ की जान लाई। सवाल बहुत सारे हैं, किंतु माना यह जानला है कि पुलिस जल्द यह गुत्थी का सुलझाए सका थी, काहे कि जो पुलिस के हाथ संदिग्ध लगे हैं उनसे लगातार पूछताछ जारी है। अपना पंजन बताया दी कि यह पूरे वारदात में जो ज्वेलर्स रहे गीता ज्वेलर्स के संचालक के पुत्र के हालत जो गंभीर रही, तो पहले सीधी रेफर की इनका, फिर सीधी से जबलपुर रेफर कर दी इनका है, काहे कि उनके हड्डी माँ 2-3 जगह से जो है ब्रेक हो के जानकारी मिली रही, जो होने के बाद जो है सीधी के डॉक्टर के द्वारा जबलपुर रेफर कर दी इनका है। सबसे बड़ी बात कि दूसरा CCTV फुटेज जब आवा तो यह बात के साफ तौर पर जो है यह स्पष्ट हो गया कि यह पूरे लूट कांड का दर्जन भर से अधिक आरोपी के द्वारा लूट का अंजाम देना है। हालांकि अभी तक पुलिस पूरे मामला में कुछ नहीं कह रही है। कल एडिशनल SP अंजुलता पटले के बयान के बाद अभी तक पुलिस के कौनो, मतलब यह 36 घंटा बीत के दूसर कौनो आधिकारिक बयान पुलिस के द्वारा जारी नहीं की गया है। और बने रही MP संदेश के साथ, हम अपना का लगातार यह पूरे घटनाक्रम से वाकिफ कराबर रहा, वो घटना के पल पल के अपडेट अपना तक पहुंचा बतरा। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब, धन्यवाद, प्रणाम। राकेश कुमार सोनी, क्या वारदात हुई आपकी?
चाचा जी की दुकान में जो है तो चोरी हुई है, डकैती टाइप की है, इसलिए कि छोटे वाले भाई को मारे हैं और काफ़ी गहरे गहरे चोट लगे हैं, हाथ की हड्डी टूट गई है, पैर का टूट गया है और सिर में काफ़ी गहरा चोट है, गार्ड लिए थे, तलवार वगैरह लिए थे, उसी से बार किए हैं, दुकान में सो रहा था, पीछे साइड से घुसे हैं। लगभग कितने की चोरी हुई थी आपके? ये सब चाचा जी ही बता पाएंगे, लेकिन अंदाज अपन ये मान के चल रहे हैं कि जो प्राथमिक हम लोग देख रहे हैं वो उस हिसाब से लगभग मान के चलिए कि 2.5 किलो के आसपास सोना, 40-50 किलो के आसपास चांदी। अनुमानित कीमत उसकी? अनुमानित कीमत लगभग मान के चलिए कि होगा ऐसी होगा 1.5 के आसपास। अभी कुछ चोरों का सुराग क्या चल पाया आपको? ऐसा अभी तो कुछ ऐसा नहीं, पुलिस ऐसा कुछ बता रही है? कुछ नहीं बता रही है। कुछ आपको क्या आभास क्या लगता है कि कुछ आपके कोई नज़र में कुछ दिख रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है? ऐसा तो नहीं है, नहीं समझ में नहीं आ रहा। दो लोगों का चेहरा भी दिख रहा है लेकिन पहचान में नहीं आ रहे हैं, वो हमारे पहचान के नहीं है। आपके संदिग्ध में ऐसा कोई नहीं? अभी ये नहीं है ऐसा। चलो थैंक यू।